हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। अब तक हम 10th क्लास में 4.3 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन भी नहीं किया है तो उससे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम 6 क्वेश्चन से आगे करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ उसके लिए, सॉरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए 10th क्लास के 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की कोई शॉर्टर साइड है, उस शॉर्टर जो नॉर्मली हम जिसको विड्थ बोल देते हैं, है ना, ब्रेथ बोल देते हैं, वो शॉर्टर साइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये कहता है कि उसकी जो लॉन्गर साइड है, या सॉरी डायगोनल, उसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। फिर कहता है इफ द लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज्यादा है, किससे, वही शॉर्टर साइड से, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रिथ से 30 मीटर ज्यादा है और जो डायगोनल है वो उस ब्रिथ से 60 मीटर ज्यादा है। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है। सो हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है उस पर्टिकुलर फील्ड की। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए एक रेक्टेंगल बना लिया, तो इसमें जो शॉर्टर साइड है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30 मीटर की, है ना। एंड देन इसका जो डायगोनल गिवन है ना, वो डायगोनल इस शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है, एक्स प्लस 60, यानी कि 60 ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास, आप नोटिस करोगे, इन तीनों से रिलेटेड एक ट्राइंगल बन गया। और ये किस टाइप का ट्राइंगल है, ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, है ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ऑब्वियस सी बात है हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक्स में एक रिलेशन बनेगी और वहां से हम बड़े आराम से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए लेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग कैसे करने हैं। 6th क्वेश्चन था, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको एक्स मीटर मान लें, मीटर की फॉर्म में हमें दे रखा है, है ना। देयरफॉर द लॉन्गर साइड ऑफ प्लॉट कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30 मीटर, है ना। एंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। ओके, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कि डायगोनल यहां पे हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, है ना। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है। आप नोटिस करेंगे एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, सेम साइन के साथ है, वो कैंसिल हो गया। ऐसा करते हैं अब इन दोनों क्वांटिटीज को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव में पहले से ही है, तो हम नहीं भी चाहते कि वो नेगेटिव में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 वहाँ पहले से ही था, 3600 को उधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो जाएगा और 120 को भी उधर शिफ्ट किया तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सो क्या बन गया भाई, 60 माइनस 120 माइनस 60x, है ना। सो 360 माइनस 900 करेंगे तो आई थिंक 2700 बजेगा और नेगेटिव का बन जाएगा, है ना, तो 2700। तो अब हमें 2700 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि भाई जिनको सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 60 आ जाए। सब्ट्रैक्ट क्यों, पता होगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में आ रहा है हमारे पास, राइट। सो
27 के बारे में आप सोच सकते हैं, तो 9 × 27 और 9 और 3 का जो डिफरेंस है वो 6 भी आता है ना, तो 90 और 30 हमारे लिए बेटर रहेंगे। तो 90x एंड 30x माइनस का 2700 एज इट इज़। अब देखिए इनको प्रोडक्ट करके देखते हैं तो 2700 भी बन रहा है, और माइनस प्लस क्योंकि हमें रिजल्ट नेगेटिव में चाहिए, तो बड़ी वाली क्वांटिटी उसी सेम साइन की है ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का 60 भी आ रहा है। तो एक्स कॉमन लिया तो क्या बन गया, एक्स माइनस 90। और यहाँ से अब कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि एक्स माइनस 90 ही बचे, तो आप नोटिस करोगे भाई 30 ही कॉमन आ रहा है ना। अब एक्स माइनस 90 की एक अलग कॉलम बन गई और एक्स प्लस 30 की एक अलग बन गई। सो फर्स्ट वन 0 के इक्वल होगा या सेकेंड वन 0 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट वन से हमारे पास एक्स की वैल्यू 90 आ रही है और सेकंड से एक्स की वैल्यू -30 आ रही है। लेकिन एक्स आपने क्या नोटिस मतलब क्या कंसीडर किया हुआ है, एक साइड को लेट किया हुआ है एक्स, और साइड एक तरह की लेंथ ही है। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है ना। सो लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी, 90 मीटर, एंड द लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, 90 + 30, शॉर्टर से 30 मीटर ज़्यादा थी है ना, तो यानी कि 120 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करके बताएं भी क्वेश्चन समझ आया है, बड़े अच्छे से डिटेल में समझ आया है। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कोई फ़ायदा मिले। चलिए सेवंथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर्स इज 180। अब देखिए डिफरेंस की जब बात आती है, दैट मीन्स कि हम बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं या छोटे में से बड़े को, वो हमें रिजल्ट के थ्रू पता चलेगा। भाई हमें देखिए यहाँ पे रिजल्ट कैसा मिल रहा है, 180 मिल रहा है। 180 कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा, जब बड़े में से छोटा घटाएंगे है ना। सो अब हमें दो नंबर्स को ब्लैट करना है, कैसे क्या है वो देखते हैं, लेकिन दोनों नंबर्स के स्क्वेयर का डिफरेंस है। चलिए आगे की डिटेल और पढ़ते हैं। फिर कहता है द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये कहता है भाई छोटे नंबर का अगर स्क्वेयर करें और बड़े नंबर का 8 गुना कर दें तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। इज का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल को। तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग देखिए, मैं दो वेरिएबल से करूंगा क्योंकि दो वेरिएबल से स्टार्टिंग करते हैं तो क्वेश्चन को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेट द टू रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई सच दैट, इनमें कंडीशन लगा देते हैं, जब भी डिफरेंस की बात आती है तो कंडीशन ज़रूर लगाएं कि भाई बड़ा कौन है और छोटा कौन है ना, सच दैट कि हम एक्स को बड़ा मान रहे हैं। अब भाई को भी मान सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि हमें डिफरेंस करना है। तो देखते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली सिचुएशन क्या थी, भाई इनका स्क्वेयर का डिफरेंस, तो हमने स्क्वेयर किया और फिर उनका डिफरेंस किया तो 180 आ रहा है। अब आपने आई थिंक समझे होगे आप कि भाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ही क्यों किया, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उस बड़े में से छोटे को घटाओगे तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और बड़े का स्क्वेयर भी बड़ा ही आना है ना। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, भाई 3 2 से बड़ा है तो 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4, तो रिजल्ट भी तो उसी सेम साइन का रहेगा है ना। एंड दूसरी सिचुएशन हमें क्या दे रखी है, दूसरी सिचुएशन दे रखी है भाई छोटे नंबर का स्क्वेयर यानी कि वाई का स्क्वेयर इज मतलब इक्वल 8 टाइम्स यानी कि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, बड़े के नंबर के यानी कि एक्स। तो ऐसा करते हैं इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। अब यहाँ पर वाई स्क्वेयर की ये जो वैल्यू है 8x उसमें शिफ्ट कर देते हैं है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने 1 में वाई स्क्वेयर की वैल्यू 8x सब्स्टिट्यूट कर दी, तो देखो ये बन गया। अब 180 को लेफ्ट में ले आए क्या जाएगा, माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्रोडक्ट करें तो माइनस में 180 आए है ना। माइनस का मतलब है जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए,
माइनस का 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, चलिए प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 2 90, 2 45, 3 से चला जाएगा 15, अगेन 5, है ना। तो हमें यहाँ से कोई दो फैक्टर्स बनाने हैं, मान लीजिए 3 3 9, 9 2 18 और 5 2 10। ये देखिए 18 और 10 180 होते हैं और दोनों का जो डिफरेंस है वो भी -8 देता है। तो 18 और 10 है ना, माइनस का 180 एज इट इज़। लेकिन रिजल्ट कैसा चाहिए, नेगेटिव, दैट मीन बड़े वाला नेगेटिव और छोटे वाला पॉजिटिव। तो x कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 18। अब ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि x माइनस 18 ही बचे, तो क्या कॉमन लें, प्लस 10। तो देखिए x माइनस 18 एक ब्रैकेट बन गई, दूसरी ब्रैकेट x प्लस 10 की बन जाएगी और इज इक्वल टू में 0। तो या तो पहली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होगी या दूसरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होगी। अब पहली ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 18 आ रही है, और दूसरी ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 10 आ रही है। अब देखिए हमने लेट क्या किया हुआ है भाई, दो नंबर जो हैं वो आपस में, और कोई कंडीशन दे रखी है इधर, हाँ देखिए जो सेकंड कंडीशन है उसको देखते हुए अब काम करते हैं। अब ये देखिए माइनस का 10 अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहाँ, एक्स के रिप्लेसमेंट में। तो देखिए मैंने एक्स की जगह क्या रखा, माइनस 10 रखा, तो एक्स में माइनस 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 80 आ जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या किसी का स्क्वेयर नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। स्क्वेयर करने से तो हमेशा रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है ना। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो माइनस 10 है ये पॉसिबल नहीं है फिर से, है ना। यानी कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर में एक्स की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गई, 18। अब इस 18 को अब हम यहाँ रखें, 8 से मल्टीप्लाई करें तो वाई की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 18 इन 2, तो 2 क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 इन टू 18। अब देखिए क्योंकि हमें यहाँ से स्क्वेयर हटाना है, तो स्क्वेयर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, रूट लगेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करने की बजाय ज़्यादातर बच्चे कई क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर जाकर उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, उसे बेटर है आप पहले ही प्राइम फैक्टर कर लीजिए, है ना। तो 8 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 और 18 के प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3। तो देखिए पेयर बन गए हमारे पास, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 2 × 3, जो कि प्लस और माइनस वैसे तो दोनों में ही आनी है। तो आप वैसे देखा जाए तो दोनों ही नंबर्स जो हैं आंसर के रूप में दे सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही सब, क्योंकि जब हम स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हटाते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों ही साइन लगते हैं। सो वाई का देखिए 4 3 12, एक तो प्लस 12 आंसर आ रहा है और एक माइनस 12 आंसर आ रहा है, और एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 18 आई थी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड नंबर हो गए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, या तो हमारे पास देखो 18 और 12 हो सकते हैं, या 18 और माइनस 12 हो सकते हैं। 18 तो x की वैल्यू तो एक सिंगल ही है, वो तो फिक्स ही रहेगी, y के हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं जिसको हम या तो 18 12 के एक अलग पेयर के रूप में लिख के दिखा सकते हैं, 18 और माइनस 12 के रूप में लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7th। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।